तो आज मैं आप लोग के लिए काले चने और बैंगन से बनी इतनी टेस्टी सब्जी की रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ ना कि मेरी इस तरीके से एक बार आप काले चने की सब्जी बना लिए ना तो आप इसी तरह से काले चने और बैंगन की सब्जी बनाना पसंद कीजिएगा। तो उसके लिए देख सकते हो बैंगन को जो है ना हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो उसके लिए कढ़ाई में हम एक बड़े चम्मच तेल डालेंगे और जैसे तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसमें हम तड़का के लिए डाल देंगे आधे छोटे चम्मच पाँच फोड़न और पाँच फोड़न को अच्छे से भून लेंगे। तो देख सकते हो पाँच फोड़न हमारा भुना गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज के कटे हुए प्याज और प्याज को हम चलाते हुए सॉफ्ट करके भून लेंगे। तो प्याज सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाले में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक छोटे चम्मच जीरा ले लिए हैं, एक छोटे चम्मच काली मिर्च, तीन हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। इसे ना हमने पीस के इसका इस तरह का पेस्ट बना लिए हैं। अब हम इस मसाले को ना चलाते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे या फिर इसे हमें तब तक भूनना है जब तक मसाला का जो कच्चापन है ना वो जैसे ख़त्म ना हो जाए। तो ये लीजिए मसाला भी हमारा अच्छे से भुना गया है। तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो एक मीडियम साइज़ के टमाटर को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। इसी के साथ इसमें हम बाकी मसाले को भी डाल देंगे। तो उसमें से इसमें हम डालेंगे एक छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक छोटे चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इन सारे मसाले के साथ ना हम टमाटर को सॉफ्ट करके भून लेते हैं। तो मसाले के साथ टमाटर को हमने अच्छे से सॉफ्ट करके भून लिए हैं। तो अब हम इसमें जो कटे हुए बैंगन और चना रखे थे ना उसे डाल देंगे। आप चाहे तो आप इस सब्जी में आलू भी डाल सकते हो फ्रेंड, आलू से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें हम फ्लेवर के लिए डाल देंगे एक तेज पत्ते को तोड़ के। इसके बाद हम ना मसाले के साथ चना और बैंगन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमें चना और बैंगन को भूनना नहीं है फ्रेंड, जैसे ये मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना इसके बाद इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम में ढक के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि बैंगन का जो पानी है ना वो जैसे निकल जाए और बैंगन हमारा हल्का सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद इसे हम अच्छे से भुनाई करेंगे। तो सब्जी को ढके हुए हमें 3 मिनट हो गया फ्रेंड और देख सकते हो बैंगन जो है ना हमारा हल्का सॉफ्ट हो गया है और देख सकते हो बैंगन ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। अब हम गैस का फ्लेम को मीडियम कर देंगे और सब्जी को चलाते हुए मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो बैंगन और चना को हमने अच्छे से मसाले के साथ भून लिए फ्रेंड देख सकते हो। तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए डालेंगे 1 गिलास भर के पानी। तो पानी का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है ताकि चना हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम अच्छे से ग्रेवी के साथ मसाले और सब्जी को मिक्स कर लेंगे और इसे ना हम ढक के मीडियम टू लो फ्लेम में 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। तो सब्जी को ढक के पकाए हुए हमें 8 मिनट हो गया फ्रेंड और देख सकते हो आप लोग बैंगन और चना जो है ना हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है ये देखिए। तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम को मीडियम में कर देंगे और बैंगन को हल्का सा मैश कर लेंगे ताकि ग्रेवी हमारा ठीक हो। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटे हुए हरे धनिए और आधे छोटे चम्मच से भी थोड़ा सा कम डालेंगे गरम मसाला और इसके साथ ना फिर से हम सब्जी को चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड बहुत ही टेस्टी हमारा सब्जी बनके तैयार है। तो मेरी इस तरह से ना एक बार आप इस सब्जी को बना के गर्मा गर्म पूरी रोटी या फिर चावल के साथ खा सकते हो फ्रेंड, ये ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये काले चने और बैंगन के बनी हुई सब्जी की रेसिपी आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड प्लीज़ हमें कमेंट पे बताना ना भूले। अच्छा लगे ना तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरह की नए नए टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो के एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।